अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, कैसे हैं आप लोग? भाई देखें, मेरा मीटअप हुआ था एलेक्सर ज़ू में, और जो कि बहुत अच्छा गया था। थैंक यू सो मच एवरीवन जो जो यहाँ पर आया। लेकिन उसके नीचे कुछ कमेंट्स थे जहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे, अजलान भाई मीटअप आपने दिखा दिया, थोड़ा सा ज़ू भी दिखा दिया, लेकिन शिकायत आपसे ये कि थोड़ा ज़ू क्यों दिखाया, पूरा ज़ू दिखाना चाहिए था। तो आज की ये खास वीडियो मेरे पसंदीदा ज़ू के नाम एलेक्सर ज़ू, जिसका नाम है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा एलेक्सर ज़ू दिखाता हूँ, और जिस शख्स ने ये ज़ू बनाया है मैं उससे भी मिलवाता हूँ। तो इन भाई साहब मिले, ठीक है, ये भाई इतने से होते थे, इतने छोटे थे जब यहाँ पर आए थे। इनका नाम है शेरू। शेरू वैसे इटसेल्फ टेम बहुत है, लेकिन अगर यहाँ पे हर किसी को अलाउ कर दिया कि आए लायंस को हाथ लगाएं ये वो, तो बड़ा ऑफ सीन हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा रश हो जाएगा। ऐसी चीज होनी चाहिए, बट इंशाल्लाह अगर मौका लगा तो फ्यूचर में ऐसी चीज भी हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे, जैसे थाईलैंड में टाइगर किंगडम है कि आप आए टाइगर के साथ टाइम स्पेंड करें, तो एक ऐसी चीज हो सकता है, यू नेवर नो। पाकिस्तान में भी आ जाए, कराची में भी आ जाए, जहाँ आप आ सकते हैं और टाइगर्स के साथ और शेरों के साथ प्यार मोहब्बत दिखाते हैं। तो ये भाई हैं शेरू, और पीछे वाली का नाम मैं भूल गया, पीछे वाली का नाम क्या था? पीछे वाली का नाम भूल गया। तो ये शेरू है, छोटे से होते थे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ लोग कहते हैं कि भाई शेर को पिंजरे में रखा हुआ है, पिंजरे में रखा हुआ है। अब पिंजरे में रखा हुआ है, लेकिन रखा हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शेर के लिए एक टर्फ एरिया चाहिए होता है, और साथ में एक कंक्रीट का एरिया चाहिए होता है, वो जो कि स्पेशली उसका नाइट रूम होता है, जहाँ पे खाना दिया जाता है। तो देख रहे हो सामने, वो तीन नाइट रूम है बड़े, और ये इसका केज है, और यहाँ पे ये ब्रीड भी कर रहे हैं, और एनिमल वहीं ब्रीड करता है जहाँ पे उसको स्ट्रेस ना हो, अच्छी खुशी भली लाइफ गुजर रही हो, तो वहीं बच्चा बोल रहा हूँ, वहीं जो है एनिमल जो है ब्रीड करता है। आए चलें दूसरे केज में लेके चलता हूँ। एक जो बेस्ट पार्ट है ज़ू की, कि यहाँ पर वो एनिमल्स भी हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, या वो शेर नहीं देख रहे हैं, अब मैं उसको बुलाता हूँ, आओ आइए, इधर इधर। शेर नहीं है, क्यों आएगी भाई, वो जंगल की रानी है, जंगल का राजा। खैर, मैं ये बता रहा था कि इस ज़ू की एक अच्छी बात ये कि यहाँ पे रेस्क्यूड एनिमल भी हैं। अब ये जो आप एनिमल देख रहे हैं ना, इसको रेस्क्यू किया था, इसको बिलाल ने रेस्क्यू किया था। अभी इसकी हालत बहुत 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 बेहतर है। जब यहाँ पर आई थी, टांगे इसकी अल्लाह माफ कर अजीब हुई हुई थी, पतली सी कमर हुई हुई थी, हड्डियाँ बाहर आई हुई थी, बट राइट नाउ देखें आप, आओ बेटा, आओ आओ गुड़िया, आजा गुड़िया, आजा मेरा बेटा, आओ। अब जैसे मेरे बुलाने पर ही आ गई, तो शी इज़ वेरी टेम, और इसको रेस्क्यू किया होगा जी मेरी गुड़िया। तो जब ये आई थी इसकी बहुत बुरी हालत थी, एंड अब अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। तो ये अच्छी बात है, मतलब ज़ू में एनिमल रखने के साथ साथ जो है यहाँ पे उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है, मतलब वो है, मतलब कुत्ते बिल्ली की मैं बात ही कर रहा हूँ, जो वाइल्ड एनिमल्स जो हो गए, ये बहुत बहुत अच्छी है। तो वो लोग जो यहाँ पर आने के बाद इस शेरनी को देखने के बाद कहते हैं ना कि यहाँ पे शेरनी की हालत देखें क्या हुई हुई है, अजीब से चल रही है, अजीब सी शक्ल हुई हुई है, चला नहीं जा रहा, बैन ज़ू। तो भाई इस कहानी की पहले स्टोरी तो सुन लो, इस शेर के पीछे स्टोरी क्या है, ऐसे थोड़ी है, समझ रहे हैं आप, आइए। अच्छा जी, बेस्ट पॉइंट ये है कि ज़ीब्रास की अगर हम बात करें, तो 1, 2, 3, 4 ज़ीब्रास हैं। ज़ीब्रास से हमें क्या सीखने को मिलता है? ज़ीब्रास से हमें सीखने को यही मिलता है कि यूनिटी, एंड आप इनके खड़े होने का पोस्चर चेक करें, मतलब इसका स्टांस देखें, मतलब कड़क हो के, मतलब बैक स्ट्रेट और मतलब भरम से खड़ा हुआ है। इनमें इतनी यूनिटी होती है कि हमेशा साथ रहते हैं, लोग साथ ही भागते हैं, साथ ही ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और यार हेल्थ देखें, एक अच्छे ज़ू की पहचान, अब देखो मैं बार बार ज़ू को मंजन बेच रहा हूँ, इसको ऐसा मंजन बेचने में मत लेना, अगर कोई चीज़ अच्छी होगी मैं उसकी डेफिनेटली तारीफ़ करूँगा। जैसे कराची ज़ू की बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं जिनकी मैंने ऑलरेडी तारीफ़ की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक और वीडियो बना देंगे कराची ज़ू के ऊपर, जहां मैं आपको बताऊंगी कराची ज़ू में इटसेल्फ कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो यहाँ की हेल्थ देखो, हेल्थ इज़ प्रीटी अमेजिंग। अब मैं आपको बिलाल से मिलवाता हूँ, आइए। ओके जी, बिलाल को हम वहाँ से लेके इस तरफ लेकर आए, इनको तो आप जानते हैं, ऑन, बहुत ऑन है ये, इनसे डिटेल में बात करेंगे कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। बट बिलाल को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि मैं टाइगर्स मैंने आपको भी दिखाए नहीं थे, उसकी एक वजह है, वजह ये कि जो आप टाइगर्स देख रहे हैं ना, किधर गए सर, आप बुलाएं, आप आपकी आवाज़ सुनते हैं ना, आप आए अभी मस्ती में है, मस्ती में ये टाइगर्स हैं,
पानी उड़ाएगा वैसे कीचड़ बड़ा पानी उड़ाएगा। तो टाइगर के पास बुलाने का मकसद ये है कि भाई ने ये छोटे छोटे से भाई क्या जरा की हिस्ट्री तो बताएं यार। ये भी और व्हाइट लाइंस जो आपने देखे हैं वो भी ये छोटे छोटे से थे इतने इतने से। जब मैं इनको लेके आया था यहाँ पर तो ये बिल्कुल हम अपने हाथ में लेके आए थे और उसके बाद हमने इनको थोड़ा अर्सा अपने हमारा मिनी केज होता है यहाँ पर हम इनको देखते हैं कि इनकी अगर कोई कमी है या इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो वहाँ पूरी करते हैं। तो हमने इनको एक महीना उस केज में रखा, फिर हमने स्पेशल एक पॉइंट बनाया था जो आपने कभी वीडियो में देखा होगा, वो एक और ओपन इनक्लोजर था। फिर हमने इनको महीना यहाँ पर रखा, उसके बाद हम इनको इनकी यहाँ पर सेंचुरी में लेके आए ताकि लोगों से भी थोड़े से वाकिफ हो जाएँ और बहुत ज़्यादा ये तंग ना हो लोगों को देख के। अच्छा अभी इनकी एज क्या होगी? इनकी एज तकरीबन साल के करीब करीब है, साल के करीब है। और मैं पर्सनली समझता हूँ अभी हम मजीद हाइट निकालेंगे, क्या कहते हैं भाई? ये इनकी ग्रोथ जो है वो इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि हमारी अक्सर वो बेसर जो पेट फैमिली वाले दोस्त हैं उनसे शर्त लगती है कि बताओ कितने साल के हैं ये। और इनको यहाँ लाने का एक और पर्पज़ ये है कि इनके हेल्दी बच्चे चाहिए, हम ब्रीडिंग कराएंगे। हाँ। नाइट रूम इनको इसलिए दिया है ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, मैं आपको असलम शायद आपसे तो भी और ऑन भाई से मेरी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है इन बारे में कि हम लोगों ने जंगलात के या हम लोगों ने जो नेचुरल हालात किए हैं ओजोन के और सब चीज़ों के इमिशन से और इन चीज़ों से, तो इनका जो घर था जो जंगलात थे वो ख़त्म हो, हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाई उधर, हमने घर बनाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से शायद आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत सारे जानवर ना देख सकें, ऐसे ही जैसे डायनासोर अब एक फेरी टेल बन चुका है। हम लोग एलेक्सर ज़ू का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम ये चाहते थे कि जो जानवर दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकें, उनकी ब्रीड को बढ़ा सकें ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो भी इनको देख सकें। वल्चर जो है अगर दुनिया से ख़त्म हो जाए तो कहते हैं कि दुनिया जो है कचरे का ढेर बन जाएगी। इसी तरीके से जानवर जो है वो हमारी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और लोग जो जू के कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि जू बुरी जगह है, बुरी अरे जगह इसमें तो फड्डा तो हुआ है इस टॉपिक में तो लेकर लेकिन फड्डा हुआ आज ये है। आपके जब कोरोना के हालात हुए थे आपके अम्मा बाप को क्या कहते थे? घर के अंदर रहो, ऐसा ही है, दुश्मन थे आपके। कराची शहर जिस शहर में हम बड़े हुए जब हालात ख़राब होते थे अम्मा बाप क्या कहते थे? घर में रहो, दुश्मन थे क्या आपके? नहीं ना, जब तक आपके जंगलात को आप उस लेवल पर वापस नहीं लेके आ सकते, जब तक आप इमिशंस को ख़त्म नहीं करते, जब तक आप इन जंगली हथियारे शिकारियों को रोकने में कामयाब नहीं होते तब तक ऐसी सेंचुरीज बहुत ज़रूरी हैं। बस एक चीज़ ज़रूरी है कि आप जाके ये देखें कि वहाँ पर जानवरों की जो कंडीशन है जो स्टैंडर्ड मेंटेन है या नहीं है, दैट्स इट। और मैं आपके थ्रू लोगों को ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि जूज पे तनकीद करो लेकिन ये सोच के कि वहाँ पर क्या काम बेहतरी के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, तो लोग जो है ना तनकीद का निशाना बनाए थे जो मैं अभी बात कर रहा था, ज़रा बताया तो इनकी कहानी, मैंने तो बताया कैसी आई ये पेड़ जो है ये आप यकीन माने इसकी आप रिप के जो से हड्डियाँ गिन सकते हैं, प्यानो बच सकता था, मतलब प्यानो बच सकता था। इतनी बुरी हालत में इनके चारों टांगे जो हैं वो काम छोड़ गई थी, ये उठने के काबिल नहीं। ऑन भाई ने इन पर काफ़ी टाइम लगाया यहाँ पर, इनको काफ़ी मेडिकेशंस दी जाती हैं इनको। अभी ऑन भाई आज ही मुझे बता रहे थे एक नई दूध जो है वो देना शुरू किया है फॉर देयर कैल्शियम। तो सर अगर ये जानवर मैं जंगल में छोड़ दूँ या ये जानवर मैं किसी ऐसे आदमी के हाथ में दे दूँ जिसको सिर्फ शेरों का ही शौक है तो सर टिकटॉक बनाता हूँ, टिकटॉक बनाता हूँ, 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद ये अलमिया वो प्यारे हो जाए। ऐसे 2 महीने भी बहुत बोलने मिला भाई यार, 2 महीने। अच्छा ऑन यहाँ क्या कर रहा है? ऑन का मैं बताता हूँ, ऑन यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है रिलेटेड टू रेप्टाइल्स एंड डिफरेंट एनिमल्स, साथ ही साथ में फ्यूचर में क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह है कि आप घोड़ा दौड़ा सकते हैं, गैलप आराम से दे सकते हैं, तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी शुरू होने वाली है विच इज़ वेरी गुड। मतलब अब बजाय इसके यहाँ के लोग रहने वाले सी व्यू जाना पड़ता था, ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी आ सकते। अच्छा अब हम चलते हैं ज़रा इस तरफ, ज़रा मुझे दिखाएं, चलिए चलिए ये जो खूबसूरत आया ही वाला एक और हरकत ना वो करेगा दोबारा करूँगा मैं। हम इनको चाह रहे हैं कुछ भी बोलें आप तो ये बोलें, वरना तो अब मोर जो है माशाल्लाह से जंगल में मोर नाच, जंगल में मोर ने नाच किसने देखा कि देख लो भाई मोर नाच रहा है। नहीं देखो, देखा ही देखा। इस जगह पे एक बात और बताओ, हाँ। जितने भी जानवर देख रहे होंगे आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा लोगों से शाय है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये इसकी सारी वजह ये है कि हम लोगों ने अपने स्टाफ को इतना ट्रेन किया हुआ है कि जानवरों के साथ इतना फ्रेंडली रहें कि जानवरों को इंसानों से कोई डर ना हो।
आज आप हमारा हिरन देखें, आप हिरन के पिंजरे पे चले जाएं तो हिरन भी सामने आ रहा है। आइए हिरन के पास आइए, बातें करते हैं। बोले बोले बोले। इसका वाहिद रीज़न ये है और ये करवाने का रीज़न ये है ताकि लोगों को ये बात समझ आए कि यहाँ पर जानवरों पर कोई जुल्म नहीं होता। अगर यहाँ पर जानवरों को हम टॉर्चर करते होते या हमारा कोई स्टाफ जानवरों को मारता होता या डराता होता तो वो आदमी इतना गरीब तो कभी भी नहीं आते। और हिरन आपको वैसे ही पता है कि दुनिया का डरपोक तरीन जानवर है। भाई आप लोगों ने बताना है इस जानवर का नाम क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, ये एनिमल देख लें आप। इस एनिमल का नाम क्या है, इस टाइम फ्रेम को देख लो। इस टाइम फ्रेम में तुमने मुझे कमेंट में बताना है कि इस एनिमल का नाम क्या है, और जो सही बताएगा उसको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। लोग अक्सर कहते हैं कि पिंजरे के ये जो पिंजरा है इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है या ये कीचड़ बना हुआ है, तो ये इनका हैबिटेट है, इनको पानी की ज़रूरत है, इनको इस माहौल की ज़रूरत है। तो आप हमारे जितने इनक्लोजर्स यहाँ पे देख रहे हैं, किसी में आपको स्विमिंग पूल नज़र आएगा, किसी में आपको एक कीचड़ टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, कोई कम्प्लीटली आपको ड्राई नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हर वो काम किया जाता है जो उनकी नेचुरल हैबिटेट के लिए ज़रूरी है। आप शेर देखेंगे तो यहाँ पर लोग शेरों के नाखून निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेरे किसी शेर के टाइगर के नाखून निकले हुए नज़र ऐसा ही है। तो ये एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा, आप ज़रा एक चीज़ क्लियर करें क्योंकि एक होशियार आएगा, यार तुम लोगों ने सींग काटे हैं, सींग काट के बेच दिए तुम लोगों ने, तो उस तरह सींग बताओ। इनके सींग कैप्टिविटी में हमारे पास जब एरिया कम होता है ना, मेल्स टू मेल हम ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है। इनके सींग एक टाइम में आके खुद झड़ जाते हैं, सही है। अब होता ये जब झड़ने वाले होते हैं ना सीजन में, ये फेंस में फंसाते हैं और ये स्टैंडर्ड है। हाँ तुमसे बात थोड़ी कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है। इनके सींग बाकायदा तरीके से क्रॉप किए जाते हैं ताकि वो उसी खूबसूरती से वापस आ जाएँ। ये इनका नेचुरल एक साइकिल है, इनके सींग खुद ही टूटते हैं, खुद गिराते हैं। अगर जस्ट इन केस कहीं इन्होंने सींग फंसा लिया जाली में, फॉर द सेफ साइड कैप्टिविटी में इनके हॉर्न खुद ट्रिम करने होते हैं। और कुछ डेयर्स ऐसे होते हैं एंटीलोप्स नहीं डेयर्स, कि उनके सींग जब बढ़ना शुरू होते हैं ना ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वेदर डिफरेंस होता है, क्योंकि क्लाइमेटाइज यहाँ के नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा, तो इनके अपने स्किन में घुसना शुरू हो जाते हैं वो। हाँ तो सेफ साइड इनको खुद ही हम काटते हैं प्रॉपर, तो ये वापस आ जाएगा। और ये बिकते नहीं है, हमारे पास सारे जमा पड़े हैं, जमा पड़े हैं सारे। तो ये जो बात है ये उस होशियार के लिए जो कहेगा कि यार आपने सींग काटे और सींग काट के जो है ना, ठीक है आप अपने नेल नहीं काटो, बढ़ने नाखून नहीं काटो, बढ़ते रहेंगे। ये थोक के हिसाब से होते हैं, ये इतने बच्चे होते हैं ये कब खत्म नहीं होते। और वो जब देखते हैं ना कि शेर भाग रहा होता, चीता भाग रहा होता, इनको पकड़ना होता है। इतना आए ज़रा इस तरफ आ जाए। ओके तो ये वाली साइड जो तुम लोग देख रहे हो ना, ज़रा उधर दिखाओ, ये वाली साइड हॉर्स राइडिंग का सीन यहाँ पर ऑन है। अच्छा यहाँ पर तोतों की कितनी स्पीशीज है भाई? म्यूटेशन जैसी हैं जो हम अब तक काउंट कर रहे हैं कि कुछ म्यूटेशन को हमें भी नहीं पता कि हमारे पास तोते कितनी है। हमारे पास बर्ड्स की क्वांटिटी जो है वो ऑलमोस्ट 400+ है, ठीक है, छोटे बर्ड्स मिला के। जो हमारे मेन जो है ना, हमारे पास पैराकीट्स हैं 2-3 किस्म के, ग्रे पैरट्स हैं, मकाउज़ हैं, कॉकाटूज़ हैं, कॉकाटूज़ में 3-4 किस्म हैं, फिर छोटे तोतों में तो इतनी वैरायटी है हमें खुद भी याद नहीं रहता कि हमारे वैरायटी है। और इन फ्यूचर हम इसको वॉकवे वो बनाने वाले बर्ड जेवरी, आप अंदर जाएं और तोतों को आप सिर्फ यूँ करें दिस इज़ ब्राज़ील, तोते सारे आपके ऊपर आएंगे और खाली आएंगे हेलो आई करेंगे, मिठू मिठू। इसमें 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 एक तोता ऐसा है जो कि बातें करता है भरपूर। ओहो ज़बरदस्त तरीके, मज़ेदार ये है कि आप रैंडम बंदा कोई भी बात कर सकता है उससे। हाँ तो मैं समझता हूँ यार फ्री फ्लाइट भी करवाओ यहाँ पे, क्या उड़ाएं और उड़ते हैं वापस है जरूर हो जाएगा बहुत जल्द। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, अच्छा यहाँ पे कैनल भी बन रहा है, जिस भाई कुत्ते की आवाज़ से मुझे पता चला कैनल भी बन रहा है। और जब वो कम्प्लीट हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊँ कि यार ये दिस इज द कैनल, दिस इज समथिंग। ऑलराइट सो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, ये था आज का मेरा टूर, थैंक्स टू बिलाल एंड ऑन जिन्होंने मुझे वक्त दिया और बड़ा मज़ा आया। तो वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी चाहिए, ठीक है, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड खुश रहें, जानवरों से प्यार करते रहें, दुनिया घूमते रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह।